इसका मतलब ये लोग हमारी परफॉर्मेंस खराब करने की कोशिश कर रहे थे। ओह यस, आपने भी तो हमारा परफॉर्मेंस खराब किया। चंदू, तुम ना एक नंबर की जल कुकड़ी हो। क्या? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। ओह माय गॉड, मेरा मेकअप, मेरा क्या हालत की आप लोगों ने? कोई गेस्ट के साथ ऐसे बर्ताव करता है क्या? मम्मी जी, मम्मी जी, बंदा तो ये बहुत ही नेक है, लेकिन आप सबको जेल भिजवा के रहेगा। पुलिस बुलाऊंगा, सबको जेल भिजवाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। सॉरी मम्मी जी, सॉरी। मैडम जी, आप मुस्कुराइए नहीं, गुस्सा कीजिए, इमोशन मत छोड़िए, सबको तो मैं देख लूंगा। नो 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 मिश्रा जी, इस फैमिली को देखकर तो कोई गुस्सा कर ही नहीं सकता, सिर्फ स्माइल ही कर सकता है। इतने सालों बाद मैंने ऐसा एकजुट परिवार देखा है। भले ही ये लोग एक दूसरे से इतना लड़ते झगड़ते हैं, पर फिर भी हमेशा साथ साथ रहते हैं, कोई दिखावा नहीं है किसी के अंदर। ये आपका जिंदगी में सबसे अच्छा टेक है, सही बंदा तो सबसे नेक है। मतलब आप हमारी हरकतों से नाराज नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। आप सबने मुझसे जो जो वादा किया था उसे निभाया। आंटी जी के हाथों का खाना खाकर मुझे अपनी मम्मी की याद आ गई। पुत्री। और चंदू, तुमने एक अच्छी सहेली की तरह मेरा एंटरटेनमेंट करने की कोशिश की, मैं आज का ये दिन कभी नहीं भूलूंगी। थैंक यू सो मच। ये तो होना ही था, लोग जो एक बार मुझसे मिल लेता ना, वो मुझे कभी नहीं भूलता। हा? आपका भयानक चेहरा। क्या बोली तू? कुछ नहीं मम्मी जी, आपने देखा कैसे मैंने 5 लोगों के कनेक्शन के थ्रू मोनी जी को ढूंढ निकाला और यहाँ इनवाइट कर दिया। जा 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 जा, ये मेरे लड्डुओं की वजह से हुआ है। मम्मी जी, ये मेरी वजह से हुआ है। ये तो समझती नहीं है ना लायक है। मम्मी जी, आप नहीं समझती। ये सब तो फिर से शुरू हो गए, लगता है अभी झगड़ा शुरू होने ही वाला है। चलिए मिश्रा जी। खामोशियां बेचैनियां।